आज की मैं जो वीडियो लेके आई हूँ ना, ये ऐसी वीडियो है, ये 8 मिनट की वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज है वो तुम लोगों की लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये पॉइंट्स को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर लो और फिर देखो अपनी लाइफ को और कि कैसी ज़बरदस्त तुम्हारी लाइफ बनती है, ठीक है। और मुझे यकीन है कि अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच की होगी, ये वाली पूरी वीडियो देखी होगी और जो मैंने आपको बताया है, तो यकीन माने आप जब यहाँ से उठेंगे ना तो आपका पूरा माइंड चेंज होके उठेंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ज़रूर ये वीडियो को देखती, क्योंकि हम इतना टाइम एक्सपेंड करते हैं फजूल चीज़ें देखने में, तो इससे बेहतर नहीं है हम मोटिवेटिव चीज़ें देखें। तो सबसे पहले अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को खात्मा करो, बिल्कुल अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाल के बाहर फेंको, जो ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम पे हंसते हैं, उन सबको सबसे पहली फुर्सत में ना निकाल के अपनी लाइफ से बाहर फेंको, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड अपने वो वाले दोस्त जो बिल्कुल तुम्हारे साथ हर चीज़ में खड़े हों, तुम्हारी हर चीज़ पे, ये वाला ये कि अगर तुम उनको रात को 10 बजे भी फ़ोन करो, 12 बजे भी, किसी भी टाइम पे फ़ोन करो उनको कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो वो तुम्हारे लिए हर वक्त तुम्हारे साथ खड़े हों। उनको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देना, उनको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देना, उनको हमेशा अपने साथ रखना, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, डर। ये जो डर है ना, ये दुनिया में सबसे बुरी चीज़ है, ऐसा कहते हैं इसको कि अगर कोई डर गया ना समझे मर गया। वाकई डर जो है ना, आप अगर ज़िंदा भी है ना और आप डरे 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 रहते हैं, तो आप समझे आप मुर्दा हैं। आपके डर जो होते हैं आपकी सारी क्वालिटीज़ को ख़त्म कर देता है आपके अंदर। तो डर को सबसे पहले ख़त्म करो। ये जो चीज़ है ना हमारे अंदर कि अगर हम फेल हो जाएंगे, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, मैट्रिक इंटर जितने के लेवल के बच्चों की बात कर रही हूँ, 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की, कि वो क्या करते हैं, अगर वो फेल, उनको फेल होने का इतना डर होता है कि कुछ बच्चे तो अपनी ज़िंदगियां तक ख़त्म कर देते हैं फेल होने के डर। अरे भाई, अगर तुम गिरोगे नहीं तो खड़े होना कैसे सीखोगे, तुम्हें गिरना, जब गिरोगे ही तो खड़े होना सीखोगे ना। तो यही बात मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि जब तक आप गिरेंगे नहीं, कहते नहीं है गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो वही चीज़ जब आप गिरेंगे तभी आप खड़े होंगे और तभी आपको खड़े होने का असल मकसद भी पता चलेगा, ठीक है। तो जो गिरेगा नहीं उसको क्या पता चलेगा कि गिरना क्या होता है, संभलना क्या होता है। गिर के संभलना ही एक बंदे की वो होती है। अगर फेल नहीं होगे तो फेल पास कैसे होगे, पास होने का, कामयाब होने का मज़ा कैसे चखोगे। क्या ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम कामयाब हो, कभी तुम फेल भी हो सकते हो, तो उसका भी एक वो है। ये डर जो अपने अंदर से एक डर निकाल दो, और ये वाली बात कि मैं नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कभी ऐसा है ही नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए इम्पॉसिबल बनाया है, ठीक है। तो आप हर दुनिया का हर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सोच लें कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो कामयाब इंसान है उसके भी वही एक दिमाग है जो आपके पास है, उसके पास भी वही दिमाग है, उसके पास भी वही चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपने दिमाग को यूज़ किया, आपने अपने क्या किया, अपने दिमाग को ग्रहण लगाया, अपने दिमाग को जो है जंग लगाया, सोचना छोड़ दिया। तो वही एक दिमाग से वो कामयाब है और उसी दिमाग से आप नाकाम है। तो वो दिमाग यूज़ करें और हर चीज़ दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया के अंदर, हर चीज़ पॉसिबल है दुनिया के अंदर, बस करने वाला हो, करने वाला एक बस दफा ठान लेना, हर चीज पॉसिबल हो जाती है इस दुनिया के अंदर। और सबसे लास्ट कर्मा, जो तुम करोगे ना वही तुम भुगतोगे, याद रखना हमेशा जिंदगी में। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं ना, तो ये आपके वापस वो धोखा रिटर्न होके आएगा, ठीक है। ये नहीं होता कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, अरे भाई वो तो बेवकूफ़ बन गया, भाई बेवकूफ़ बन गया, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत मजा आया, वो तो बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम उसको धोखा दे रहे हैं। असल में आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं, सही है। वो जो आप किसी को धोखा दे रहे होते हैं ना, वो आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। आप एक बहुत ही सिंसियर फ्रेंड खो रहे होते हैं आप धोखा देके, ठीक है। जो आप किसी से धोखा खा रहा होता है ना, वो उसका कुछ नहीं जाता, जो धोखा दे रहा होता है ना उसका जाता है कि वो एक सिंसियर फ्रेंड खो देता है, ठीक है। और कर्मा हमेशा लौट के आता है, तो जितना करो, जितना सह सकते हो ना उतना ही करो किसी के साथ। तो ये वाली जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं ना, ये अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर लें। कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे, हमेशा ये याद रखें कि आपके भी उतने ही हाथ पांव हैं जितने
कामयाब इंसान के होते हैं। आपकी भी वही आँखें, आपके भी वही दिमाग है, सब कुछ आपका वैसे ही है, बस ये है कि वो अपने दिमाग को यूज़ कर रहा है और आपने अपने दिमाग को यूज़ करना छोड़ दिया। तो अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं और कामयाबी ये सोच लें, अगर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लग रही होती ना, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको कोई चीज़ भी मुश्किल लगे, आप अपनी आंखें बंद करें और ये वाली ये जुमला दोहराएं कि मैं ये कर सकता हूँ। 3 से 4 दफ़ा अगर आपने ये जुमला दोहराया, 4थी दफ़ा में आप बिल्कुल मोटिवेट होंगे। तो ये याद रखिएगा कि दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है, कोई काम भी इम्पॉसिबल नहीं है। और हमेशा अपने दोस्तों को अपने साथ रखें जो आपके वेल विशर हों, जो आपके साथ सिंसियर हों उनको, और जो सिंसियर नहीं हों उनको बिल्कुल सबसे पहले फारिग करें। क्योंकि ऐसे लोगों की सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं रखें, ऐसे लोगों को कि जो सिंसियर नहीं हो और आपने उन्हें जगह भरने के लिए रखी हुई है, भाई फ्रेंड है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले फारिग करें जो आपको कहते हैं ना आप नेगेटिव हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, इनको भी फारिग करें। और अपने दोस्तों के लिए ना हमेशा अपने दिल में जगह रखें, और कभी किसी को ना हकीर मत समझें। ये मत समझेंगे कि कोई बहुत हकीर है, भाई ये तो इतना हकीर है, उसका मजाक उड़ाएं किसी को हकीर समझ के, नहीं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त बहुत बुरी चीज़ है, कभी एक जैसा नहीं रहता कभी किसी का। तो किसी को हकीर ना समझो, क्योंकि क्या पता वही वक्त लौट के तुम्हारे पास आ जाए। तो हमेशा जो है ना अपनी अब इतना रहें कि बस अप डाउन टू अर्थ, जो बंदा डाउन टू अर्थ होगा ना, यानी कि जिसका मिट्टी से अपने मिट्टी के साथ लगाव रहेगा, जो डाउन टू अर्थ बंदा होगा वो कभी भी जो नाकाम नहीं होगा, हमेशा डाउन टू अर्थ हो। झुक के मिलो अपने बड़ों से, झुक के मिलो अपने छोटों से, प्यार से रहो अपने छोटों के साथ, देखो कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होगा। कामयाबी हम जो पढ़ते हैं, ये जो हम पढ़ाई एजुकेशन है ये हमारी, ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेने का नाम नहीं होता, ये जॉब करने के लिए हम अगर तुम जॉब करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, तो जॉब करने के लिए जो पढ़ता है ना वो जाहिल होता है। हमेशा पढ़ो शऊर के लिए, जो शऊर के लिए पढ़ता है ना वही कामयाब रहता है अपनी ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े लोगों के पास, तुमने कौन सी डिग्री होती है, किस बहुत से बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े लोग गुजरे उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वो तो तालीम याफ्ता करा रहे थे क्योंकि उनके अंदर शऊर की नेमत थी, जो चीज़ें अच्छे और बुरे की तमीज़ करने वाली, डाउन टू अर्थ थे वो लोग, तो वो लोग आगे बढ़े, वही लोग सक्सेसफुल हुए। डिग्रियाँ लेके से डिग्रियाँ क्या है, डिग्रियाँ तो एक कागज़ का एक वो होता है, पेपर होता है, एक पेपर होता है डिग्री, ठीक है। उससे तुम किसी फर्ज से जॉब ले सकते हो, लेकिन उससे तुम जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई वो नहीं होता। डिग्री तुमने 50 ले ली लेकिन तुम जाहिल इंसान हो, तुम्हें कुछ बात करने का, तुम्हें कुछ किसी के साथ रहने का तरीका नहीं है, तुम लोगों को हर्ट कर रहे हो, तो तुम्हारी डिग्री किस काम की। अगर मेरी इन सब बातों का आप पे असर हुआ तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि एक भी बंदा मेरी बातों से मोटिवेट हुआ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन ज़रूर से दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।